निर्जर ने मनाया माता सरस्वती का प्रकट दिवस, कवि निराला को भी उनकी जयंती पर किया याद। काशगंज शहर में निर्जर साहित्यिक संस्था के तत्वाधान में माता सरस्वती के प्रकट दिवस एवं आधुनिक हिंदी कविता के शिखर पुरुष सुकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जयंती के शुभ अवसर पर एक काव्य संगोष्ठी का आयोजन संस्था सचिव अखिलेश सक्सेना के निवास पर किया गया। प्रारंभ में कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश चंद्र गौड़, मुख्य अतिथि एडवोकेट राकेश बिडला, विशिष्ट अतिथि सतीश चंद्र माहेश्वरी ने मां सरस्वती एवं निराला जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर तथा पूजा अर्चन कर दीप प्रज्वलित करके संगोष्ठी का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम डॉक्टर अखिलेश चंद्र गौड़ ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की। भारतीय बागेश्वरी श्वेतांबर मां शारदे, तत्पश्चात ओज कवि मनोज मंजुल ने पढ़ा। ऋतुराज बसंत पर्व ऋतुओं में सिरमौर दीपक सक्सेना ने पढ़ा। तुम चलो घर साथ तो ये चल पड़ेगी जिंदगी, मनोज शर्मा शलभ ने पढ़ा। बारूद से भगत ने जवाब लिख दिया, जेल की दीवारों पर हिसाब लिख दिया, वायुवृद्ध कवि सुरेश चंद्र सक्सेना ने पढ़ा। स्वर्ग से बढ़कर धरा पावन भारत मेरा महान कार्यक्रम को संचालित कर रहे अखिलेश सक्सेना ने पढ़ा। मैं तुझसे मांगता हूँ माँ मुझे स्वर गान दे देना, देवेंद्र शर्मा भ्रमर ने पढ़ा। हुए वृद्ध भी अब युवा आया देख बसंत, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अखिलेश चंद्र गौड़ ने बहुत भावपूर्ण गीत पढ़ा। राही हूँ कठिन रास्तों का, रोको मत मुझको जाने दो, इस मोक्षदायिनी गंगा के तट पर एक दीप जलाने दो, जिसे लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में के सक्सेना, प्रशांत सक्सेना, आदर्श सक्सेना, एडवोकेट आलोक सक्सेना आदि उपस्थित रहे। समापन पर संयोजक अखिलेश सक्सेना ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।